जय हिंद दोस्तों, आज हम फिर से एक बार एक नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ भैया जुड़ चुके हैं, क्या नाम आपका? सत्यवीर। सत्यवीर जी जुड़े हैं और ये बताएंगे कि आज का पेपर, आज का जो है एग्जाम कैसा रहा और कैसे किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। तो बताइए कैसे किस तरह के प्रश्न आज आप देखने को मिलेंगे? पेपर भैया बढ़िया आ रहा है, थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा मैथ थोड़ा सा टफ है और रीजनिंग में दो क्वेश्चन। कोई प्रश्न ऐसा जो कोई प्रश्न जो आपको ऐसा याद हो, कोई ऐसा टफ है? बोर्ड मार्क्स का जो रीजनिंग आ रहा है दो क्वेश्चन, हाँ। वही थोड़ा सा टफ लग रहा है। तो कैसे कोई प्रश्न आपको याद है? कोई प्रश्न आपको याद है भैया? हाँ, रीजनिंग के हैं। रीजनिंग के कौन से प्रश्न आपको याद है? मतलब कि कोडिंग वाले थे, मतलब कि अल्फाबेट्स दिए गए हुए थे। अच्छा अच्छा। उसको मतलब कि उसको कंपेयर करना था दूसरे से। अच्छा, अच्छा। और मतलब उसमें क्या कहते हैं, नंबर्स वाले दिए थे, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे। मैथमेटिक्स में कोई क्वेश्चन याद हो जैसे किसी भी चैप्टर का? प्रॉफिट एंड लॉस का था। प्रॉफिट लॉस का कैसा प्रश्न था? इजी थे, ज्यादा टफ नहीं था। प्रश्न मतलब थोड़ा बहुत कुछ हिंट याद आ रहा हो? 10% निकाल के 10% दिया गया, तो उसके बाद 10% लॉस है तो आपको कितना परसेंट प्रॉफिट होगा। अच्छा अच्छा। और रीजनिंग में कोई? रीजनिंग में मैथमेटिक्स बताया तो कोडिंग वाले मैथमेटिक्स। कोडिंग और मतलब किसी और चैप्टर से ब्लड लेसन या फिर श्रेणी का या इस तरीके का? फूड बनाने में आपको कौन सा केमिकल यूज होता है, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल, कौन सा केमिकल यूज होता है? अच्छा अच्छा। और जीएस में कैसे प्रश्न थे? जीएस बिल्कुल बिल्कुल भाई, एग्जाम बताइए जीएस में कैसे किस तरह के प्रश्न? जीएस भाई बिल्कुल हाई लेवल का, जीएस बिल्कुल करंट जो पढ़ के हम लोग गए पूरा 2021 का। अच्छा अच्छा। एक क्वेश्चन करंट, दो क्वेश्चन थे, मतलब वो जो पढ़ के गए वो आए ही नहीं, जो पढ़ कर गए वो नहीं आए बिल्कुल। किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन पूछा जा रहा है या फिर नेशनल? नहीं, इस प्रकार का क्वेश्चन किया जा रहा है। वेस्ट बंगाल का वो आसनसोल कोई जनपद है, वहाँ से कोई सांसद लड़ा है या कोई अभिनेता है, वैसा वैसा क्वेश्चन बना रहे हैं। और हालांकि राजनीति से बिल्कुल रिलेटेड करके एक दो क्वेश्चन मतलब, और बाकी प्रश्न हिंदी में भाई एडवांस हिंदी पूछी जा रही है। हिंदी में एडवांस में जैसे किस तरह की हिंदी? चार क्वेश्चन थे उसमें से जो संयुक्त क्रिया होती है, हाँ? मिश्र क्रिया, उससे रिलेटेड दो क्वेश्चन थे। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब हिंदी में देखा जाए तो कम से कम 16 क्वेश्चन रहते हैं जो सिलेबस से रहते हैं। अच्छा। चार क्वेश्चन है जो पुलिस वाले सिलेबस से पूछे जा रहे हैं। अच्छा, और मैथ में आज तीन क्वेश्चन थे जो मतलब अच्छे लेवल के थे। एक कंपाउंड इंटरेस्ट का किस्त वाला पूछा गया था, और मतलब सारे क्वेश्चन अच्छे ही थे मैथ के। रीजनिंग के क्वेश्चन थे मतलब 20 में 20 करने लायक। रीजनिंग के 20 के 20 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन मेरा छूटा है लेकिन 20 में से 20 करने लायक। आइए आइए। कैसा हुआ एग्जाम आपका? अच्छा, कौन सा चैनल है आप? ये है जो है सामने लिखा हुआ, देखिए क्या लिखा है, कवच डिफेंस एकेडमी, कवच डिफेंस एकेडमी के नाम से आप चैनल सर्च करेंगे तो मिल जाएगा भैया। ठीक। और आपका भी हुआ भैया? हाँ हुआ। कैसा हुआ आपका एग्जाम? बढ़िया हुआ। बढ़िया हुआ है। कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए हैं आज? 70 किए हैं। 70 किए हैं। तो उम्मीद क्या है कि मतलब जैसे मैथ या रीजनिंग के, जीएस के कुछ पोर्शन आप बताएं, क्या किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं? आप सारे लोग बता सकते हैं, जिसको भी प्रश्न याद आ रहा हो आप बताइए। सीटिंग अरेंजमेंट से दो क्वेश्चन आ रहा है। सीटिंग अरेंजमेंट से दो क्वेश्चन आ रहा है। गोले पे बैठाना है, मतलब ठीक है। और रीजनिंग तो 20 में 20 कर दिया। रीजनिंग 20 में 20 कर दिया। और हिंदी बता रहे हैं जैसा कि कुछ टफ आ रहा है। हिंदी जो है कुछ मतलब चैप्टर से अलग से पूछ रहे हैं, जो सिलेबस में थे से उससे अलग, सिलेबस से हट करके प्रश्न बनाए जा रहे हैं। तो मतलब यह है कि थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है। पूछ रहे हैं कारक, पूछ रहे हैं कारक, पूछ रहे हैं कारण भी पूछ रहे हैं, कारण भी पूछ रहे हैं। हिंदी के संदर्भ में सही आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। क्रिया विशेषण भी, क्रिया विशेषण और अभ्यास से प्रश्न और वर्णमाला से, वर्णमाला से शुद्धिकरण से। अच्छा अच्छा। कोई क्वेश्चन याद है भैया आपको? क्वेश्चन तो बहुत है, बहुत याद है, तो बताइए ना क्रम से, एक एक मैथ से शुरुआत करते हैं। मैथ में बताइए किससे शुरुआत करें? मैथ में अनुपाती से आया था, और एक चतुर्था समानुपाती आया था, फिर रेशियो आया था, मिक्सर एलिगेशन से क्वेश्चन आया था, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आया था कि उधर देख करके आप एड्रेस करिए उन लोगों को। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आया था कि ये अगर 200 दिन में आने वाले जो भी मतलब स्टूडेंट हैं, जो भी मतलब बैठने वाले एग्जाम जिनका होने वाला है, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के प्रश्न वो अपना प्रिपेयर करें? प्रिपरेशन के हिसाब से बताया तो मैथ, रीजनिंग और हिंदी इजी था, जीके थोड़ा सा क्रिटिकल था,
जीके मतलब इजी टू मॉडरेट है कि एकदम टफ की तरफ है या फिर मॉडरेट से आगे मॉडरेट से टफ की तरफ? और क्या बोलते हैं रीजनिंग के जैसे कोई प्रश्न आपको याद आ रहे हो? रीजनिंग के प्रश्न वैसे थे कोडिंग की कोडिंग था दो क्वेश्चन ब्लड रिलेशन है सिटिंग रेजिडेंट ब्लड रिलेशन से था वैसे सिंबोलिज्म करके और इसका था क्या नाम है सीटिंग अरेंजमेंट से राउंड सीटिंग में दो थे। और किसी प्रकार के प्रश्न जो आपको याद आ रहे हो अभी तत्काल में? याद ये थे सीआई से थे क्वेश्चन थे थोड़े कैलकुलेशन हाथ थे इंस्टॉलमेंट का था किस्त का 1225 रुपए किस्त है तो उसकी टोटल अमाउंट कितनी होगी 4 महीने में अगर देना है। अच्छा और इसके बाद जैसे रेलगाड़ी नाव धारा पाइप लगी ये सब नाव लेकिन नाव धारा में एक क्वेश्चन था वो मेरे को क्रिटिकल लग रहा था कि उसमें ये दिया था कंडीशन की आपको जो वैल्यू बतानी है दिन में बतानी है लेकिन उसमें जो आंसर में ऑप्शन दिए थे 14, 14.5, 15 और 14 तो दिन में दिया है तो 15 होगा या फिर 14.5 होगा ये नहीं करूँगा। अच्छा अच्छा और ये पाइप टाइप 14 था पाइप टाइप 14 मेंसुरेशन से कोई और ये हिंदी के जैसे कहाँ तक के प्रश्न जो है पूछ रहे हैं जैसे साहित्य साहित्य है यूट्यूब पे महाफर्जी है क्वेश्चन आ रहे लेकिन इसमें देखा गया बता रहे थे लोग संधि नहीं आएगी वचन नहीं आएगा लेकिन इसमें कारक भी आएंगे वो तो हिंदी में आप सिलेबस से हट करके पूछना वो अलग बात है आदमी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाता है ना। अब संधि नहीं आई और रीजनिंग में ये जो एबीसीडी वाला प्रश्न आता है वो आया था क्या आया था एबीसीडी अल्फाबेटिकल जो अल्फाबेटिकल जो आता है नंबर 3 ने कहा कौन सा प्रश्न भैया दिमाग में कि हाँ ये क्वेश्चन हमें याद आ रहा है कुछ चार पांच क्वेश्चन देख निकल थोड़े। अच्छा अच्छा वो कैलकुलेशन थी एक वो कैलकुलेशन वाले थे जैसे ऊपर बार लगा के दे देता है फ्रैक्शन में उसकी वैल्यू पूछ देता है। अच्छा, तो वो जैसे 3 बार रहता है तो 3 9 लिख लेते हैं 0 लिख लेते हैं वो वाले थे मध्यानुपाति और पद्मानुपाति और तीन सौ पच्चीस पे बार था 42 पे नहीं था पॉइंट करके था लेकिन 0.42325 और रीजनिंग में जैसे कोई क्वेश्चन मतलब आपको याद आ रहे हो कि ये वाला जैसे एबीसीडी छोड़ दीजिए कोड डिकोड चीजें ब्लड रिलेशन हो गया घड़ी कैलेंडर रीजनिंग में घड़ी निकल नहीं आया था ना कैलेंडर से घड़ी से नहीं है कैलेंडर से नहीं है और पासा पासा से आया था उसमें लाल रंग का हरा रंग का पृथ्वी पूजा था हरा का पृथ्वी दो पासे हम जो थे समान थे तो तीसरा सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा सिंपल क्वेश्चन था सिंपल। अच्छा अच्छा चलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और ये आज रहा आज का रिव्यू कि किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं इसको आप ध्यान में रखते हुए आप अपने प्रिपरेशन को और ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत।